अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नायला भट्टी और आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची से खबर शामिल करते हैं। काशिफ अहमद फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक दुख्तर मशरक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कराची में पहले इंटर डिपार्टमेंट गर्ल्स स्पोर्ट्स गाला का शानदार इनेकाद हुआ। प्रिंसिपल प्रोफेसर फरखंदा जैनब स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह किया और इसके साथ पाकिस्तान की पहली वुमेन क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने वाली मिस शुमाइला नास मेहमान खुसूसी थी। दुख्तर मशरक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कराची में पहली इंटर डिपार्टमेंट गर्ल्स स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया और इनके साथ नौजवान खिलाड़ियों के लिए वुमेन क्रिकेटर शुमाइला नास भी मौजूद थी और इनकी मौजूदगी मुस्तकबिल में इन्हें अपनी फील्ड में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने में मददगार साबित होगी। प्रिंसिपल प्रोफेसर फरखंदा जैनब, असिस्टेंट प्रोफेसर सिद्रा एम्पायर और असिस्टेंट प्रोफेसर सादिया स्कोर के फ़राइज सर अंजाम दिया। डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन कुदुसिया राजा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी दुख्तर मशरक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज फराइज सर अंजाम दिया। हवाले से बताएं जो आज माशाल्लाह स्पोर्ट्स गाला हो रहा है इस कॉलेज में, उस हवाले से बताइए। आज डॉक्टर मशरक कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला अरेंज किया। प्रिंसिपल मिसेस फरखंदा जैनब ने एक बहुत अच्छा इनेकाद किया स्पोर्ट्स टीचर मिस कुदसिया राजा के, इनके अंतक मेहनतों से ये आज एक बहुत अच्छा इवेंट अरेंज हुआ है और ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल्स ही अच्छे प्लेयर्स को प्रमोट करके आगे नेशनल लेवल तक लेके जाते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक आउट क्लास इवेंट था, मैंने बहुत इंजॉय किया। और बस ये छोटी सी एक्टिविटीज़ थी, मैडम ने कहा कि जी हमने ऐसी एक्टिविटीज़ देनी है उनको जो आगे इंटर कॉलेजिएट में चल के काम आ सके, तो बस उसके हवाले से तैयारी। आप तो खुद भी एक स्पोर्ट्स वूमेन रह चुकी हैं और माशाल्लाह बहुत काफ़ी गेमों से वाबस्ता है, तो आप यहाँ पर जब से आई हैं तो आपने माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा कराया, आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम कराने का रहता है। जज़ाकअल्लाह काशिफ। डेफिनेटली मेरा तो काम ही यही है, मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है, काम भी यही है और मेरा पैशन भी यही रहा है कि जो कुछ मुझे आता है वो मैं अपनी यंग गर्ल्स में ज़्यादा तरीके से और जो बॉयज़ हमारे हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करती रहूं, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान ने दिया है वो पाकिस्तान को नहीं देना तो फिर और किसे देना है। क्या फर्स्ट वुमन है जो कि एम्पायरिंग के हवाले से और स्पोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पहली वुमेन इंटरनेशनल टेनिस और टेबल टेनिस अंपायर हूँ जो आउट ऑफ कंट्री जाके अंपायरिंग करके आई है और बस अल्लाह की देन थी कि ये माँ बाप की दुआएं और अल्लाह की देन। तो मैडम ये प्रोग्राम किस आपको एकदम सूझा और आपने ऑर्गेनाइज किया? काफ़ी अरसे से प्लान कर रहे थे कि कोई ऐसा इवेंट जिसमें मीडिया भी इन्वॉल्व हो। पहले आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ आए, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि अगर हम कोई इवेंट कर भी जाएं तो मीडिया इन्वॉल्व नहीं होता तो वो हाईलाइट नहीं होता और आज की दुनिया तो ये है कि जितना आप हाईलाइट करोगे उतना बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो हमने कोशिश ये की थी और आप सबकी सपोर्ट का शुक्रिया कि आप सब यहाँ आए और बच्चों को ये इवेंट कवरेज के हवाले से दिया, क्योंकि अगर कवरेज नहीं होगी तो बच्चों को वो प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता जो वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल्स पर जाकर क्रिएट कर सकती है, अपनी परफॉर्मेंसेस को बेस्ट कर सकती है। थैंक यू सो मच। ये पहली बार नहीं किया है हमने, हमारे यहाँ प्रोग्राम्स होते रहते हैं लेकिन इस पैमाने पर पहली बार किया है हमने, बड़े पैमाने पर सब लोगों को आए हैं, शुक्रिया आप लोगों का भी। हम हमारे कॉलेज में हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती रहती है और माशाल्लाह बच्चों में इतना टैलेंट है कि वो नज़र आ जाता है जब ये ग्राउंड पे उतरते हैं या दूसरी चीज़ों में, तो इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद यही है कि करते रहेंगे जब तक हैं इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मैडम ये एक्टिविटी आप कितने टाइम तक कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी होती है और ये वुमेन भी होनी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी डेली बेसिस पर होती है हमारे यहाँ, डेली बच्चों की क्लासेस भी हैं, पीरियड है जो हमारा टाइम टेबल है उसमें स्पोर्ट्स का पीरियड स्पेशली रखा गया है, तो डेली बेसिस पर तो होता ही है, रोज़ एक क्लास का होता है, बाकी वीकली हमारे प्रोग्राम्स होते हैं और अभी ये एनुअली जैसे हमने अभी किया है ये पूरा स्पोर्ट्स गाला किया है तो ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। मैडम इसके लिए आपने इंटर बोर्ड ऑफिस से कोई अप्रूवल ग्रांट करा के रखी है ताकि फर्दर फ्यूचर के अंदर भी ये डोमेस्टिक लेवल पे हो?
नहीं जी, कोई अप्रूवल नहीं है, ये हमने अपने ऑन पर किया है, हमने अपने सोर्सेज से किया है और ऐसा कोई बोर्ड से या कहीं और से फ्यूचर प्लान है इंशाल्लाह जरूर जरूर।